जय माता दी दोस्तों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में जानेंगे चंद्रदेव पूजन कैसे करें। सबसे पहले घी का एक दीपक प्रज्वलित करने के लिए चाहिए होगा। विशेष रूप से चंद्रदेव को सफ़ेद रंग की जो वस्तुएं हैं वह प्रिय होती हैं, उनका पसंदीदा रंग सफ़ेद रंग माना जाता है। तो करवा चौथ के दिन आप सफ़ेद रंग की जो है मिठाइयाँ अवश्य चुने, सफ़ेद रंग के बताशे इत्यादि ले सकते हैं। अभी मैं यही प्रबंध कर पाई हूँ। सफ़ेद रंग के पुष्प बेहद प्रिय होते हैं। चावल जो है चंद्रमा को विशेष रूप से खीर का भोग लगाना और चावल इत्यादि ज्यादा से ज्यादा अर्पित करने चाहिए ऐसा माना जाता है। साथ ही चंदन रोली मोली इत्यादि आप चंद्रदेव के पूजन के लिए ले लीजिए। इसके बाद एक दूध जो कि विशेष रूप से चंद्रदेव को चढ़ाया जाता है, गंगा जल थोड़ा सा इसमें मिश्रित कर लीजिए, या सादा पानी आप जल के लोटे में ले सकते हैं। एक छन्नी चाहिए जिसमें चंद्रदेव के दर्शन किए जाते हैं, उसके पश्चात पतिदेव के मुख के दर्शन किए जाते हैं। आपके ऐसा चलन ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह से यह पूजन की सामग्री है। चंद्रोदय हो जाए उसके पश्चात शाम के समय में पूजन किया जाता है। जैसे कि चंद्रदेव नजर आ चुके हैं, करवा चौथ के दिन आपको अब पूजन आरंभ कर लेना है। एक कांसे की थाली चाहिए या चांदी की थाली चाहिए जिस पर आपको स्वास्तिक बना लेना है। इसके जो यह कांसे की थाली है इसके ऊपर स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आपको इसे एक जगह पर स्थापित कर लेना है जहाँ से सीधे चंद्रमा पर आप पूजन कर पाए। इसको रखने का कारण यह है कि कोई भी सामग्री हो वह पैरों में ना आए, जैसे कि चावल हो गए, रोली हो गई, मूली हो गई, वह पैरों में ना आए इसके लिए। और जल भी इसके ऊपर ही दिया जाएगा। इस तरह से स्वास्तिक बना लिया जाता है। सबसे पहले चंद्रदेव को जल के छींटे अर्पित करेंगे। जल के छींटे अर्पित करने के पश्चात उन्हें रोली चंदन मोली इत्यादि अर्पित किया जाएगा। नीचे रखा है सीधे कांसे का बर्तन जिसमें कि बची हुई सामग्री खुद ब खुद उसमें नीचे आ जाती है, जिससे कि जैसे कि चावल चंदन इत्यादि समस्त चीज़ें जो नीचे पैरों में न गिरते हुए उस थाली के ऊपर गिर रही है। ये देखिए इस तरह से यह पूजन किया जाता है। इसके पश्चात जो ये बच सामग्री है जो जल इत्यादि उसे तुलसी के पौधे में सुबह के समय रख दिया जाएगा, पैरों में इसे नहीं लिया जाएगा। यह जो है वह पुष्प अर्पित करे हैं। पुष्पम समर्पयामि ओम चंद्र देवाय नमः कहते हुए समस्त चीज़ें अर्पित की हैं। यह जो चावल आप देख पा रहे हैं इसके स्थान पर गेहूं भी जो कथा के समय में हाथ में लिए जाते हैं, और पुष्प जो जल का लोटा है जिससे अब अर्घ देना है वह इसमें डाल दिया है। इस अर्घ के लोटे में भी आप थोड़ा चंदन रोली मोली इत्यादि डाल आपको समर्पित कर देनी है, चावल इत्यादि समर्पित कर देना है। अब आपको जो है इस थाली के ऊपर पैर, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री है जैसे आप देख पा रहे होंगे जो सामग्री बची हुई है इसमें इकट्ठा हुई है। अब चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए जो कच्चा दूध विशेष रूप से गाय का होना चाहिए, सबसे पहले प्रथम बार चंद्रदेव को अर्घ देंगे, उसके बाद पानी से जल से अर्घ देंगे, फिर दूध फिर जल फिर दूध फिर जल, इस तरह से तीन बार चंद्रदेव को ओम चंद्रदेवाय नमः कहते हुए अर्घ देना होता है। या आप इस तरह से भी कर सकते हैं, तीन बार जो है दूध से अर्घ दे दीजिए, उसके बाद तीन बार पानी से अर्घ दे दीजिए, इस तरह से भी कर सकते हैं, या जैसे मैंने पहले बताया ठीक उसी प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद चंद्रमा की हमेशा तीन फेरी लगाई जाती है। यह समस्त सामग्री जो है वह इस बर्तन में ही इकट्ठा होनी चाहिए। इसके बाद आपको तीन फेरी लगा लेनी है चंद्रदेवाय नमः कहते हुए। अब आपको भोग अर्पित कर देना है। फेरी के पश्चात आप चावल की एक ढेरी लगा लीजिए, उसके ऊपर चंद्रदेव को भोग दिखाते हुए कहिए कि प्रभु अब हमारा व्रत संपन्न होने वाला है, हमने जो हम आपकी पूजा कर पाए हैं वह हमसे जितनी हो सके हमने आपकी पूजा अर्चना की है, आप हमारी पूजा को स्वीकार करें। अब इसके पश्चात जो छलनी है उसमें एक दीपक रख लीजिए, उससे आप चंद्रदेव का जो है दर्शन करेंगे और अपने मन की कामना कहेंगे जो आपके मन में है, परिवार के लिए, अपने जो है सुहाग के लिए या अन्य कोई कामना है तो वह चंद्रदेव को देखते हुए आपको कहनी है। इस तरह से एक चावल की जो आपने ढेरी बना रखी है उसके ऊपर इसे जो दीपक है उसे रख लेना है, और कोई भूल चूक हुई हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहना है। वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।